अस्सलामुअलैकुम गाइस, रिजवान शेख, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का ब्लॉग यूँ होगा कि हम जानेंगे रक्षा वाले के साथ मुलाकात करेंगे, उनसे पूछेंगे उनके हालात क्या हैं और किस तरह इतनी महंगाई में अपने घर को चला रहे हैं और पेट्रोल तो पता है कहाँ हो चुका है। और गरीब बंदे की तो बस की बात नहीं है कि बंदा कुछ सोच के आगे बढ़े, तो ज़्यादा उनके पास बाइकें नहीं हैं और उनके पास साइकिल पर जमानदार साइकिल होगा तो लोग किराए काम कर लें अपनी साइकिलों पर। आजकल बाइक का और फ्यूल इतना महंगा होगा तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो कभी कभी तो अपने बंदे मिल के रक्शे में जाते हैं, कुछ पैसे मिला के किराया करके। आज रक्शा में पूछेंगे भाई और आज आप लोग किस तरह कमा रहे हैं, क्या बच रहा है, फ्यूल कब हो चुका महंगा और अपने घर के आप खर्चेदार कैसे बता रहे हैं और आपके हालात क्या हैं, क्या उनकी आमदनी बच रही है, क्या उनको खर्चा क्या हो रहा है और बहुत सी बातें हैं चल के हम आप उनसे पूछेंगे। आई मेरे साथ जा रही एक्चुअल के पास मुलाकात करने, आई मेरे साथ। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मुलाकात करें। आइए बताएं कि आज क्या करें। याद करें यार, दरअसल बात यह है कि पहले पेट्रोल सस्ता था, अभी पेट्रोल महंगा हो गया है। बहुत करते हैं यार। ये बताओ हॉस्पिटल में जाने वाला किराया कैसे, बेचारा कैसे, जैसे मजदूर बंद है मतलब ये है तो रोज की कमाने रोज की खाने वाले और सुबह निकलते हैं अल्लाह पाक को याद कर, इंशाल्लाह शाम को सो भी पर नसीब में होगा। ये हमारा आज ये होता है हमको सोचना चाहिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये हमारे पेट्रोल लगे तो यहाँ पेट्रोल कम कर दें और महंगाई को कम कर दें, ये हर चीज़ महंगाई में आती है। इंशाल्लाह हम लोग कानून को सोचते हैं, सब और देखते हैं गरीबन सवारी अच्छी है। वेलकम बैक भाई, जैसे कि आपने पहले सुना भाई कुछ कह रहे थे, ये भाई भी उनकी तरह ही हैं। आप मुझसे ये क्या कहते हैं जी सर? भाई महंगाई ने कमर तोड़ दी है, महंगाई इतनी हो गई है ना, अब पेट्रोल देखो इतना महंगा है, सवारी किराया देती नहीं है, हम क्या करें। और ऊपर से जाओ तो किसी भी सिंगल बोलते हैं हमें दे के जाओ, अब उनको दे तो हम अपना घर कैसे चलाएं भाई। बाबा जी कुछ भी नहीं हो सकता भाई, गरीब खुदकशी के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल गरीब ना जी सकता है ना मर सकता है, नहीं हम मरने में भी उनके खर्चा है भाई, कहाँ से खर्चा करेगा, मरेगा तो मर भी नहीं सकता है बंदा, इतनी महंगाई हो गई है, महंगाई ने बिल्कुल कमर तोड़ दी है भाई। आपने देखा कि आज के हालात ये थे और हर बंदा परेशान है अपनी महंगाई से और खर्चेदार इतने हो गए हैं तो बंदा तंग हो गया है। लोगों को देखता हूँ नाश्ता नहीं करते लोग, दोपहर दोपहर तक खाना नहीं खाते और जिनके पास है वो भैंस की गाय इतना ख़राब करते हैं खाना, तो हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं। जैसे गाइस आज का ब्लॉग खत्म करते हैं, आप हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जैसे कि आपने सबकी सुनी बातें, हर बंदा परेशान है अपने समाचार से, बस जैसे आप सुबह में आते हैं। सो मच, अल्लाह हाफिज़।